जय मिथिला, हम छी ललित नारायण झा, अपने लोकनि के स्वागत कर रहल छी मिथिला मिरर में। भारत के जे संविधान छै तकर जे प्रारूप छै ओकर शुरुआत होइत छै हम भारत के लोक सब, और हम भारत के लोक ओहिठाम सँ जे छै से एकर शुरुआत होइत एकर चारिटा प्रारूप भऽ जाइत छै, जाहिमे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, ई चारिटा जे छै से हमरा सभक लोकतंत्र के पिलर अर्थात खाम या ओकर पौआ मानल जाइत छै। एकटा के काज छै जे नियम कानून केना बनतै तकर मसौदा तैयार केनाई, दोसर के काज छै ओकर क्रियान्वयन केनाई, तेसर के काज छै जे अगर एहि मे कोनो ऊंच नीच होइ छै तकरा पर नजर रखनाइ और ओकरा सही से लागू करबेनाई, और चारिम के काज छै जे तमाम चीज के जनता सँ सरोकार के बीच में लऽ गेनाइ। सबसे अभिन्न जे अंग छै ओ न्यायपालिका मानल जाइत छै, कारण एहि दुआरे जे सीधे सीधे विधायिका और कार्यपालिका दुनू के काज पर सीधा नजर रखैत छै, जाहिमे कॉलेजियम सिस्टम अबैत छै जकरा सत्ता सँ नहि कोनो हर्ष छै नहि कोनो विस्मय छै, जकर जे रूप छै ओ रूप एकटा आम लोकक हित मे या फेर कही जे ओहि संविधान के जीवित रखबाक लेल राखल गेलैए या बनाकर राखल गेलै। मुदा पुलिस प्रशासन द्वारा जखन न्याय के मंदिर में बैसल ओहि न्यायाधीश के कनपट्टी में बंदूक साटि देल जाए तो एकरा की कहल जा सकैए? जी हाँ, एकरा सुशासन कहल जा सकैत अछि, कियाकि ई बिहार छै, ई मधुबनी छै, और एहिठाम तक कहल जाइत छै जे बिहार में बाहर बा नीतीश कुमार बा, अर्थात बिहार जे छै तैठन सुशासन के राज्य चल रहल छै, और ओहि सुशासन में एकटा प्रहरी के रूप में मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश जे छै से स्वर्णिम अक्षर में अपन नाम लिखवा रहल छथि। जी हाँ, लगातार पिछला किछु दिन सँ जे छै से मधुबनी के एसपी चर्चा में बनल छथि, और पिछला किछु दिन सँ चर्चा में बनल अछि एकटा नाम, ओ नाम अविनाश के अछि। कतौ ओ पत्रकार के रूप में जे छै से अविनाश सामने अबैत छथि तऽ कतौ जे छै से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में जे छै से ओ सामने अबैत छथि। घटना दूटा छै, मुदा जे संलिप्तता छै से कतौ ने कतौ मधुबनी पुलिस के छै। एक दिस मधुबनी पुलिस जे छै से पत्रकार अविनाश के जे छै से पत्रकार मानवा से इनकार कऽ दैत छै, तो दोसर दिस जे छै से मधुबनी पुलिस के अर्थात घोंघरडीहा थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण यादव, झंझारपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय के एडीजी प्रथम अविनाश कुमार के चेम्बर में घुसि कऽ हुनका कनपट्टी पर जे छै से बंदूक सटा दैत छनि। सिर्फ गोपाल कृष्ण यादव नहि, गोपाल कृष्ण यादव के संगे अभिमन्यु शर्मा एसआई सेहो रहैत छथि। हिनका सबके एकटा मामला में एडीजी प्रथम के द्वारा तलब कयल जाइत छनि, और ई मामला रहैत छै उषा देवी पति दीपक कुमार ग्राम भोली राही, हुनका लोकनिक एकटा तहरीर छलनि हैं, जे तहरीर में ओहिठुनका जे थाना प्रभारी छथि तिनका ऊपर जे छै से ई आरोप लगायल गेलनि जे पुलिस हमरा सब पर बेवजह जे छै से विभिन्न घटना में फंसा रहल अछि, हमरा सब पर अत्याचार कऽ रहल अछि। बस एतबे बात छलै, और ताहिमे जे एडीजी प्रथम छथि अविनाश कुमार ओ पुलिस के समन करैत छथिन। 11 बजे के समय रहैत छै, लेकिन चूँकि ओ पुलिस में छथि, ओ वर्दी वाला गुंडा छथि, और हाँ, वर्दी वाला गुंडा के अगर हमरा से बात करी तो हम सब जखन 9 टा रही तखन ओ वेद प्रकाश शर्मा के चर्चित सस्पेंस थ्रिलर एकटा उपन्यास पढ़ने रही, जे के नाम छलै वर्दी वाला गुंडा। जी हाँ, अगर अहाँ के कन्हा पर पुलिसिया रौब अइ, हाथ में बंदूक अइ, तऽ अहाँ ककरो जे छै से ओ कनपट्टी पर सटा सकैत छी। तऽ एडीजी अगर छथि, अगर न्यायाधीश छथि, तऽ ओ कोन बड़का आदमी छथि? निश्चित तौर पर जे छै से लगातार जे तरहें किछु दिन सँ मधुबनी चर्चा में छै ओ कतौ ने कतौ जे छै से दुखद छै। खास कऽ एहिसँ पूर्व जे छै से चंद्रमणि कुमार नाम के एकटा दरोगा जे झंझारपुर के छलाह है, ओ सेहो अहाँ के एडीजी प्रथम अविनाश कुमार के ऊपर बहुत रास छींटा कसी कयने छलखिन, और तकर मुख्य कारण छलै जे एडीजी अविनाश कुमार के जरूरत से बेसी ईमानदार भेनाई। ओ पुलिस से लगातार डायरी के मांग करैत छलथि है, और एकटा मामला में एकटा नाबालिग के संग जे कोनो घटना भेल छलै ताहिमे पॉक्सो नहीं लगेला के कारण ओ एकटा बयान देने रहथिन जे मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश के पुनः जे छै से ट्रेनिंग में भेजल जाए, और एतहे से शुरुआत होइत छै पुलिस बनाम जुडिशरी। और पुलिस जे छै से खास कऽ घोंघरडीहा के थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण यादव ई कतेक बेर जे छै
से ओहि घटना के दरमियान कहत सुनल गेला जे तुम जज बनते हो, हम तुमको एडीजी नहीं मानते हैं। अर्थात एकरा की कहल जाए, जखन पुलिस प्रशासन सीधे सीधे जे छै से न्यायपालिका के अंदर में जाकर, न्याय के मंदिर में जाकर, न्याय के देवता के कनपट्टी पर अगर बंदूक लगा दे तो एकरा की कहल जा सके छै। एकरा बस सुशासन के सरकार कहल जा सके छै, जैठान अपराधी तो बेलगाम छै है, मुदा पुलिस के जे लोग छै ओ अपराधी से बड़का जे छै से अपराधी बन लोकक सोझा ऐ बात के प्रमाणित कर रहल छै जे जी हाँ, बिहार में बाहर बा नीतीशे कुमार बा अपराधी तो छुट्टा घूमिए रहल छै, मुदा पुलिस जे छै से पुलिस नै, वर्दी वाला गुंडा छै। ई निश्चित तौर पर जे मधुबनी से जे घटना आइ निकल के अलै है, अर्थात झंझारपुर के कोर्ट से जे छै से जे घटना बाहर भेले, नै सिर्फ ई पूरा भारत के जे कॉलेजियम सिस्टम छै, जे न्याय व्यवस्था छै, तकरा ध्वस्त करै कर रहल छै, अपितु ई लोक के जे एकटा मन में एकटा बात अबैत छै जे कोनो घटना हेतै जतौ हमर पुलिस नै सुनत, ओहिठाम जे छै से हम अगर अदालत के शरण लेब तऽ अदालत कतौ नै कतौ जे छै से हमरा मददगार साबित होयत या हमरा न्याय दियत। लेकिन जो एडीजी प्रथम अविनाश कुमार स्वयं अपना आप के सुरक्षित नै बुझि सकै छथि तऽ फेर आम आदमी के लेल ई कतेक सहजता से जे छै से एकरा स्वीकार करतै ई बात के, कोना लोग पुलिस पर विश्वास करते। हम लोग अपराधी से सुरक्षा मांगते थे, अब तो हम लोग को पुलिस से सुरक्षा अपनी मांगनी पड़ेगी। हम लोग को पुलिस से बताया, अभी कार्रवाई क्या होगी वो साहब लोग कर रहे हैं, प्राथमिकी दर्ज होगी। और हम लोग मांग करते हैं कि इस एसपी को इस मामले का मुदाला बनाया जाए, इस दोनों थाना प्रभारी और उसके साथ जो अभिमन्यु कुमार है उसके सहित इसे एसपी की गिरफ्तारी हो। किया नहीं लोग आप इस बात से जे छै से भयभीत रहत, खास कर मधुबनी के लोग या फिर संपूर्ण बिहार के लोग, जे पुलिस हमरा लगातार झूठ घटना में फंसा देत जो हम पुलिस के खिलाफ कोनो आवाज उठेबे। लगातार पिछला किछु दिन से जाहितर हैं मधुबनी के एसपी और पूरा जिला प्रशासन, खास कर पुलिस प्रशासन पर जे तरह प्रश्न चिन्ह उठ रहल छै, निश्चित तौर पर जे छै से ई पुलिसिया गरमा के कतौ ने कतौ ई जे छै से धक्का पहुंचा रहल छै। एहि घटना के बाद जखन ई घटना भ रहल छलै तऽ सबसे पहले एडीजी प्रथम के चेम्बर में जाकर जे छै से ओहिठान हुनका जे चंदन मुर्मू चपरासी एकटा रहैत छथि, जे प्यून रहैत छथि, ओ सबसे पहले बचेबाक कार्य करैत छथिन। घटना जतेक दुर्दांत कहि सकैत छी ओहिसँ बेसी दुर्दांत छै, कियाकि सीधे सीधे जे छै से न्याय के प्रशासनिक बंदूक जे छै से कतौ ने कतौ डरेबाक धमकेबाक काज केलकैए। और एहि मामला के गंभीरता सँ देखैत पटना उच्च न्यायालय जे छै से एकरा स्वतः संज्ञान लेलकै, और जस्टिस रंजन गुप्ता और मोहित कुमार साह के बेंच जे छै से एहि घटना के गंभीरता सँ लैत गृह सचिव, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मधुबनी के एसपी के जवाब तलब कलखिन हैं। और एहि मामला के जे छै से 29 तारीख का सुनवाई हेतै। निश्चित तौर पर जे पत्रकार के जे छै से मधुबनी पुलिस पत्रकार नहीं माने के लेल तैयार छै, तकरा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जे छै से पत्रकार मानैत छै, सरकार सँ प्रशासन सँ सीधे सवाल करैत छै, और ओ थाना प्रभारी जकरा वर्दी के धौस छै जे सीधे सीधे कहैत छै जे तुम एसपी को चैलेंज करोगे, तुम पुलिस को चैलेंज करोगे, तो हम तुमको एडीजी मानने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कतौ जा रहल छै पुलिस के ई स्वरूप। निश्चित तौर पर ई एकटा गंभीर विषय छै, और लगातार मधुबनी के एसपी पर जे तरह प्रश्न चिन्ह उठि रहल छै, तकरा बाद कतौ ने कतौ जे बिहार के सुशासन बाबू छथि हुनका ई बात पर चेतऽ पड़तनि जे की एहन आदमी के एहिठाम राखल जाय जकरा पर बेर बेर जे छै से प्रश्न चिन्ह उठैत छै। घटना के देखैत कोर्ट के जे वकील सब छथि ओ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जेबाक घोषणा कऽ चुकल छथि, और की कहि रहल छथि वकील बलराम साहू, सुनैत छियनि हुनकर बात। आज लगभग 2:15 की घटना है, हम लोग न्यायालय कार्य में व्यस्त थे, एकाएक दो पुलिस पदाधिकारी जिनके जेब पर लगे नेम प्लेट से हम लोगों को मालूम हुआ कि एक गोपाल प्रसाद यादव थाना अध्यक्ष वर्ढिया है, उनके साथ अभिमन्यु कुमार वहाँ थे। ये लोग एकाएक एडीजे के कक्ष में, कार्यालय में जो कक्ष है उसमें घुस गए, और घुसते ही कहा कि तुम लोग, तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई कि तुम हम लोगों को बुलाते हो।
हम लोग बाहर से सुन रहे थे, तुमको एडीजे मैं नहीं मानता। और यह कहते हुए वो अभिमन्यु कुमार सिंह मारपीट पर उतारू हो गया एडीजे साहब। जब तक हम लोग कुछ समझ पाते तब तक अभिमन्यु कुमार सिंह इनको लप्पड़ थप्पड़ चलाना शुरू कर दिया। और गोपाल कृष्ण यादव लगातार गाली दे रहा था, अभद्र अभद्र गाली। उस गाली का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं अपने मुंह से कि तुम्हारी हैसियत कैसे होगी, तुम अपने आप को एसपी से बड़ा समझते हो, ये वो, एसपी को तुम नोटिस कर दिया था, आज तुमको हम सब एडीजे निकाल देंगे, यही कारण है कि तुम्हारा पावर सीज हो गया, इस सब टाइप का बात बोल रहा था। हम लोग घुसे तो देखे कि चंदन जो है वो पिस्टल ताने हुए था अभिमन्यु सिंह, और चंदन उससे एक अनुसेवक है साहब के, वो उससे पिस्टल छीन रहा था, लेकिन वो पिस्टल छीन लिया, चंदन को भी काफी मारा है दोनों मिलके। तब तक हम लोग कुछ कौन ताने हुए थे, अभिमन्यु कुमार सिंह। तब तक हम लोग घुसे, हम लोग के घुसने के साथ ही आपको कोर्ट का स्टाफ लोग घुसा, किसी तरह से जज साहब को सुरक्षित किया। जज साहब थर 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 कांप रहे हैं और ये गाली दे रहा है, इतने लोगों के बीच में वो गाली दे रहा है। उसके बाद फिर पुलिस जो यहाँ रहती है वो लोग आया, पुलिस आई, जज साहब को सुरक्षित किया गया, फिर डीएसपी साहब आए, पुलिस बल आए, थाना के लोग आए। अपने सब सुन लो जो कौन तो रहे जैसे से पुलिस गुंडा बन कर कोर्ट में जाए तो अच्छे और ओठान एडीजी प्रथम के कनपट्टी पर बंदूक लगाकर जो है से हुनका ई चैलेंज दे छन जे हम तुमको एडीजी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप जान सके छे जो मधुबनी पुलिस के कप्तान सत्य प्रकाश के अगुवाई में जो अदालत में जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अगर सुरक्षित नहीं छे तो आहां और हम कते सुरक्षित भ सके छी। भले ही बिहार के कोनो मंत्री हमरा कहे छथि जे अहां सब निर्भीक भ कऽ पत्रकारिता करू, अहां के सुरक्षा देबाक जिम्मेदारी बिहार सरकार के छै, लेकिन जो ओहि बयान के एक दिन बाद मधुबनी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम एडीजी प्रथम अविनाश कुमार अगर सुरक्षित नहीं रह सकै छथि तो हमरा या फिर अहां के सुरक्षा द सकैत अछि। अंत में वह कहब जे वर्दी वाला गुंडा आकि बिहार में बाहर बा नीतीश कुमार बा, ई केहन सुशासन जे सुशासन में न्याय जे छे से सरेआम न्याय मंदिर में न्यायाधीश अपना आपके असहाय महसूस करे। कनेक सोचू कनेक विचारू और ई विचारनाई जे छे से हमरा अहाँ से बेसी सुशासन बाबू के छन।